वेलकम टू जेके साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसकी पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं कि किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। एक और देख लेते हैं, 1/2 और 1/3 के बीच में, 1/3 और 1/2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि इसका हर को सबसे पहले बराबर करते हैं। जब तक हर बराबर नहीं होगा तब तक अंश वाले के बीच में संख्या हम लोग को लिखने में क्या होगा, कठिनाई होगा। तो देख लेते हैं, हर को बराबर करेंगे तो एक ही विकल्प है कि 3 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 3 से इसमें 6 में भाग देंगे 2 आएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 होगा, और इसका भी 2 और 3, यहां भी 6 लिखेंगे, 2 3 3 बन जा 3। अब इतना हो गया। अब जितना ज्यादा संख्या आपको निकालना होगा उतना 0 से गुना कर देंगे, यानी 10 से गुना करना होगा तो क्या होगा, 20 और 30 आ जाएगा। तो 20 और 30 के बीच में आपको 9 गो संख्या लिख सकते हैं। 21 बटे 6 60, जैसे 20 से गुना करें 0 से गुना कर दिए तो कितना, 60 हो गया। और 30 बटे 60 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ दोनों के बीच में नीचे वाला तो बराबर हो गया तो हटा दिए, 20 और 30 के बीच में आपको 21/60 हो जाएगा, 22/60 हो जाएगा, 23/60 हो जाएगा। इस प्रकार से हम और भी 24/60, 25/60, 26/60 ऐसे संख्या लिख सकते हैं। यदि तुमसे पूछ दिया जाए कि 20 गो या 50 गो 100 गो परिमेय संख्या, अनंत जब परिमेय संख्या होता है तो अनंत कैसे आएगा, 1 0 से गुना किए थे तो हम 2 0 से गुना कर देंगे तो 2 और 300 हो जाएगा। अगर 1000 से गुना कर देंगे तो इसके बीच में 999 गो संख्या हो जाएगा। यदि हम 1 लाख से गुना करेंगे तो 99999 इसके बीच में संख्या। तो जितना बड़ा अंक से गुना करते जाएंगे उतना ज्यादा से ज्यादा संख्या आपको प्राप्त होते जाएगा। तो हम लोगों ने सीख लिया कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या को जब भाग देंगे, ये परिमेय संख्या लिखा हुआ है, जब परिमेय संख्या को भाग देंगे तो कुछ ऐसा अंक आपको प्राप्त होगा। जैसे 10 में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 3 जा 9, 1 आ गया। अब भाग नहीं लगेगा 3 से 1 में तो यहाँ क्या देंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ 0 उतर जाएगा, 3 3 जा 9, दशमलव उतरा हुआ है तो क्या होगा, यहाँ पे 0 उतरते रहेगा, यहाँ दशमलव दे दिए हैं तो फिर 3 3 जा 9। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि एक ही समान 1 1 1 1 कितना हो तक यहाँ लिखते जाएंगे 1 1 प्राप्त होगा, यानी कितना हो भाग देंगे तो 3 दशमलव 3 3 3 ही क्या प्राप्त होगा, इंफिनिटी तक प्राप्त होगा। यानी कितना हो भाग दिया जाए तो यह कभी पूर्ण रूप से कट नहीं सकता है, यानी पूरा पूरा भाग नहीं लग सकता है। जब पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तब इसको हम लोग कहते हैं अशांत, अशांत दशमलव निरूपण, या एक इसका और भी नाम है अवसानी, अन अवसानी, अनवसानी दशमलव निरूपण।
इंग्लिश में इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसके बाद दूसरा को देखते हैं, दूसरा को 7/8 में, यदि 7 है, 7 में हम किससे भाग देते हैं, 8 से, हर से कभी भी भाग दिया जाता है अंश में, तो क्या होगा, 8 से इसमें 7 में भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे 0 उतरेगा, 8 नवा 72 अधिक हो जा रहा है 8 28 64, 10 में से 4 गया 6, दशमलव उतरा है 0 उतरते रहेगा, 8 7 56, 4 उतर गया फिर 0 उतरेगा, 8 5 40। तो ये दूसरा संख्या को, ये तो संख्या आपको क्या हो गया, अशांत दशमलव निरूपण, या इसको अनवसानी दशमलव निरूपण कहते हैं। और ये दूसरा को, इसका मान हम लोगों ने क्या प्राप्त किया, 0.875, इसको हम लोग शांत दशमलव, इसलिए कि दशमलव के 2-3 स्थानों तक या 4 स्थानों तक कट जाए तो उसे शांत या अवसानी दशमलव निरूपण कहते हैं, निरूपण कहते हैं। इसको इंग्लिश में शांत को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, टिंग डेसिमल। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 क्लास में पूछे जाते हैं कि ऐसे संख्या दे देगा ए नंबर में, ये बी नंबर में, और ये सी नंबर में, फिर ऐसे डी नंबर में दे देगा, 2/3 दे देगा, ऐसे बहुत सारे संख्या दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव निरूपण है। तो इसमें से आपको देखना है, तो ऐसे भाग देंगे तो समय ज्यादा लगेगा। एक और दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं, यदि बड़ा बड़ा संख्या ऐसे तो भाग दे दिए तो आपको समझ में आ गया कि दशमलव के 2 या 3 स्थानों तक कट जाएगा तो उसको शांत कहेंगे, और जो नहीं कटेगा उसको अशांत कहते हैं। अब इसको पहचानने का तरीका हम लोग देख लेते हैं, हर को हम लोग को देखना है, हर में यदि 2 या 5 अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, शांत दशमलव निरूपण होगा। क्या होगा, शांत दशमलव निरूपण होगा। इसमें देख लेते हैं, या 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई भी संख्या इस हर के स्थान पर प्राप्त होगा तो वह क्या होगा, अशांत होगा। अब इसमें देख लेते हैं, 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 है, तो यह अशांत होगा। और इसका 8 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2^3, यानी 2 ही अभाज्य, 2 × 2, सिर्फ 2 ही प्राप्त हुआ है। इसका होता है आपको कि 2^n या 5^m, या दोनों संख्या साथ में, ये 2 या 5 हो या दोनों संख्या साथ में होगा तो शांत होगा। तो देख लिए कि यह शांत हो गया, यह भी 2/5 नहीं आ रहा है, यह भी 2/5 नहीं आ रहा है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो 2/5 से भिन्न संख्या प्राप्त हो रहा है, तो भिन्न संख्या प्राप्त होगा तो मात्र ये 7/8 जो होगा यही शांत दशमलव निरूपण होगा। और कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में बड़ा बड़ा संख्या भी आपको दे देता है, सिर्फ देख के बताना रहता है कि कौन शांत दशमलव। अब इसमें क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव निरूपण है। हम ए नंबर ऑप्शन देते हैं 129/7,
टू के पावर टू, फाइव के पावर थ्री इंटू सेवन के पावर फाइव। बी नंबर ऑप्शन है 23 बाई टू के पावर थ्री गुने फाइव के पावर सिक्स। सी नंबर ऑप्शन है 15 बाई 1600। डी नंबर ऑप्शन है 3125। अब इसमें से पहचानना है कि कौन सात दशमलव, अगर हम लोग क्या करें, अगर इसके पहले भाग दे के समझे हैं, यदि इसमें हम लोग भाग देते रहे, ये 10 क्लास का है एकदम, एक इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से रहता है, एक एक जोड़ के 100 नंबर होते हैं, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक एक पॉइंट आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि पहला वास्तविक संख्या से एक नंबर भी न छूटे, यानी जितना भी आपको आगे पढ़ाए जाएंगे हर एक एक छोटा से छोटा पॉइंट पे ध्यान दिया जाएगा, कि यदि आप पढ़ते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तबे ऑब्जेक्टिव कम समय में और सही बनेगा, एकदम परफेक्ट बनेगा। तो यदि हम लोग अभी भाग दे के समझे कि शांत अगर नहीं कटेगा तो अशांत होगा, कट जाएगा तो शांत, लेकिन अगर ऐसे संख्या प्राप्त हो जाए तो हम गुने भाग करते रह जाएंगे और एक क्वेश्चन में आपको ज्यादा से ज्यादा समय लग जाएगा, एक क्वेश्चन में 15 मिनट लग जाएगा, एक मिनट महज आपको समय एग्जाम में मिलता है। तो आपको बस यहाँ पे क्या देखना है, हर को देखना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड, ये हर है तो 2 के पावर 2 और 5 के पावर 3। 2, 5 तो है लेकिन इसमें एक और संख्या प्राप्त हो गया है, 7 प्राप्त हो गया है, 7 5 बार लिखा जाएगा। तो 2 और 5 के अलावा यदि कोई दूसरा संख्या अगर है तो वह होगा अशांत, क्या होगा, अशांत होगा। यहां पे देखते हैं, यहां पे आपको क्या होगा, ये शांत होगा, सिर्फ आपको हर वाला संख्या देखना है, हर में कौन कौन अभाज्य गुणनखंड के रूप में है तो 2 और 5 है, ये n के स्थान और m के स्थान पर कितना हो रहे, n और m यानी कोई भी संख्या रहेगा, बस यहाँ 2 और 5 देखना है, तो यह क्या होगा, शांत दशमलव निरूपण होगा, इसको देखना है। तो इसको देखना है तो इसको क्या करेंगे, 1600 को हर का प्राइम फैक्टर करेंगे कि क्या क्या प्राप्त हो रहा है। तो 16 को हम लोग क्या लिख देंगे, 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16, और उसके बाद 100 बचा तो 100 को हम लोग लिखेंगे 2 दुनी 4 25 25 100। तो 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 16 दुनी 32 दुनी 64, तो क्या हो जाएगा, इसको कहेगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुने 5 के पावर 2। 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2, यानी 2 और 5 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपको, 7 दशमलव हो जाएगा। और ये तो हम लोग देख रहे हैं कि 31 25 है, इसका अगर प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी जितना बार भी 5 आएगा लेकिन 5 के अलावा दूसरे संख्या से है, ये 31 50 कटबे नहीं करेगा। तो जब सिर्फ 5 आएगा तो इसका अर्थ है कि यह शांत होगा। तो इस प्रकार से आप पहचान लेंगे कि कौन शांत दशमलव निरूपण है और कौन अशांत दशमलव निरूपण है। तो अब हम लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदल के चेक किए। अब एक क्वेश्चन और भी इससे आता है, अब क्या आता है कि दशमलव में दिया रहेगा, जैसे यही संख्या दिया रहेगा, आपसे पूछेगा कि इसको पी बटे क्यू के रूप में क्या करें, बदले। तो पी बटे क्यू के रूप में बदलने के लिए आएगा, तो इसमें दोनों प्रकार के संख्या हो सकते हैं,
दोनों प्रकार के संख्या हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से संख्या प्राप्त आपको हो रहे हैं, कैसे हम लोग इसको जैसे पूछ दिया जाए जीरो दशमलव, जैसे दे दिया जाए कि जीरो दशमलव थ्री 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 डैश डैश को पी बटे क्यू के रूप में लिखे। दो नंबर के आपको आता है पेपर उठा के देखिएगा लोग, आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर देखिएगा तो ऐसे संख्या आता है। इसको और भी लिखने का तरीका है, ये बार बार क्या हो रहा है, थ्री रिपीट हो रहा है, तो थ्री रेकरिंग भी कह सकता है। को पी बटे क्यू के रूप में लिखे, तो पी बटे क्यू के रूप में लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको। मान लेंगे कि ये तो अनंत तक लिखा गया है, माना के हमको तो नहीं मालूम है कि कितना संख्या होगा, माना के x बराबर जीरो दशमलव थ्री, यहाँ जब रेकरिंग लिखे हैं रेकरिंग लिखेंगे, अब इसके बाद x बराबर जीरो दशमलव, रेकरिंग का अर्थ होता है कि संख्या को कितना बार लिखा जा सकेगा, अनंत बार। समीकरण एक, कोई भी अंक रिपीट हो रहा है, एक अंक रिपीट हो रहा है तो समीकरण एक में, समीकरण एक में दस से गुना करेंगे। अगर दो अंक रिपीट होता तो सौ से गुना करते, समीकरण एक में दस से गुणा करने पर, तो गुना करेंगे तो दस एक्स, इसमें गुना करना है दस से, तो ध्यान देना है कि एक अंक दाएं साइड दशमलव चला जाएगा, ये भी इंफिनिटिव समीकरण दो। अब बड़ा क्या है, ऐसे दिखाई दे रहा होगा दूसरा समीकरण बड़ा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण दो घटा एक से, दो आपका कितना है टेन एक्स है इक्वल टू जीरो दशमलव थ्री थ्री डैश डैश, एक्स इक्वल टू जीरो दशमलव थ्री 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 डैश डैश। अब इसको घटाना है, दस एक्स में से एक एक्स घटेगा तो कितना हो जाएगा नाइन एक्स इक्वल टू, अब घटा भी आना चाहिए दशमलव के सामने क्या होना चाहिए, दशमलव रहना चाहिए, तो एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद यहां भी दशमलव, जीरो के बाद, तो हम लोग जब भी घटाते हैं तो थ्री में से जीरो गया तो क्या हो जाएगा थ्री, उसके बाद दशमलव, थ्री में से थ्री गया जीरो, और ऊपर में जितना थ्री लिखते जाएंगे तो उतना ही थ्री तो नीचे भी लिखते जाएंगे तो क्या आते जाएगा जीरो जीरो जीरो, कहां तक आएगा इंफिनिटी तक आएगा, तो दशमलव के बाद इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो यह क्या हो गया, सिर्फ थ्री प्राप्त हो गया। अब एक्स इक्वल टू थ्री बाई नाइन, कटाएंगे तो क्या हो जाएगा वन बाई थ्री प्राप्त होगा। अब भाग दे के चेक करते हैं कि यह सही मान प्राप्त हुआ है कि नहीं प्राप्त हुआ है, वन में किसे भाग देना है, थ्री से भाग देना है, तो भाग देंगे तो भाग नहीं, थ्री से वन में भाग नहीं लगेगा, दशमलव देंगे तो जीरो हो जाएगा, तीन तरीका नौ एक, दशमलव दिया गया है जीरो उतरेगा, तीन तरीका नौ एक, फिर दशमलव दिया गया है जीरो उतरेगा, अब एक उतरते रहेगा यानी यह इंफिनिटी तक, यानी वन बाय थ्री को कितना लिख सकते हैं जीरो दशमलव थ्री थ्री। अब ऐसी संख्या दिया रहता है तो आपको पूछता है कि पी बटे क्यू के रूप में बदले, और भी कुछ दूसरे संग दूसरे तरीका से भी दिया रहता है, आप लोग नोट कर लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम बताते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपको, जीरो दशमलव टू फाइव डैश डैश इन्फिनिटी तक, यदि इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना होगा, रुक के नोट कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको ऐसे जरूर आता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए ऐसा क्वेश्चन टाइप्स अलग अलग बदल के बता दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाए तो छूटे नहीं।
अब इसमें ध्यान देना है कि कौन अंक, यहाँ पे तीन गो अंक दिखाई दे रहा है, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, तो इधर से देखेंगे ये कौन अंक रिपीट हो रहा है, 35, 35, 2, तो इसको हम क्या करेंगे मान लेंगे। माना के x इक्वल टू 0.2235, 3, 5, 3, 5, 3, जितना बार चाहेंगे उतना लिख सकते हैं समीकरण एक। अब इसमें ध्यान देना है कि 2, 3, 2, 3 तो आगे है, सॉरी 3, 5, 3, 5 आगे में रिपीट हो रहा है, लेकिन यह 2 रिपीट नहीं हो रहा है। तो 2 रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि इससे भिन्न है, तो इससे भिन्न है तो क्या करेंगे, अलग तो इसको रखेंगे ना। इसको हमेशा ध्यान देना है कि जो अंक यदि रिपीट नहीं होता है उसको अलग रखना है। जैसे मान लो कि हम लोग जाते हैं बगीचे में और गर्मी का मौसम तो है, अभी जाते हैं तो क्या होता है, अगर आम के पेड़ से अगर पक्का आम गिरता है तो उसको अलग रख लेते हैं, और कच्चा आम गिरता है तो उसको क्या कर लेते हैं, अलग रख लेते हैं, उसका पहचान होता है। उसी प्रकार से इसमें भी पहचान है, जो बार बार क्या होगा रिपीट होगा उसको अलग रखना है, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको अलग जरूर रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो यही पे यही मुख्य उसका खासियत है। तो ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि समीकरण एक में ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो 10 से गुणा करेंगे। एक अंक है तो 10 से, समीकरण एक में 10 से गुणा करना है, तो 10 से गुणा करेंगे तो 10x, इसमें एक अंक दाएं साइड दशमलव चला जाएगा, 3, 5, 3, 5, 3, 5, -infinity, समीकरण 2। अब यह क्या हो गया, रिपीट वाला अंक आ गया, कई गो रिपीट वाला अंक है, 2 गो, तो फिर समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 2 को रिपीट वाला है तो 2 जीरो से, समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे 10 में 100 से गुणा करेंगे तो 1000 x इक्वल टू, अब 2 अंक दाएं साइड चला जाएगा, 3, 5, 3, 5, 3, 5, -infinity, समीकरण 3। अब 1 से कोई मतलब नहीं है, अब 2, 3 से मतलब है, समीकरण 3 में से 2 को क्या कर देना है, घटा देना है, समीकरण 3 - 2 से। अगर इसके पहले थोड़ा दूसरे तरीका से घटाव बताए थे ऊपर नीचे लिख के, जो कि बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, अब 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्लास का भी मतलब थोड़ा सा घटाव बता दे रहे हैं। दूसरा में से कौन सा घटाना, तीसरा में से, ये तीसरा इक्वेशन है, तीसरा में से दूसरा घटाना है, तो बाएं पक्ष में से बाएं पक्ष घटाएंगे, यानी 1000x - 10x, ये कितना है, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, -infinity घटा, फिर 2.35, 35, 35, -infinity, इसमें 1000 में से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाए, 990x = अब ऊपर नीचे लिखते थे तो ध्यान यहीं पे, मतलब घटाने में ये अंक आसानी होता था, जैसे दिखा दे आपको 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, क्या है यहाँ पे दशमलव है, अब यहाँ पे -infinity है, फिर ये दूसरा संख्या घटाव में लिखना है तो बताएं दशमलव के सामने क्या रहना चाहिए, दशमलव रहना चाहिए 3, 5, 3, 5, -, अब दशमलव के इस साइड ऐसे घटाएंगे, इसके इधर ऐसे घटाएंगे, यानी दशमलव के दाएं साइड
दाएं, चलो बाएं से दाएं घटाते हैं और बाएं साइड दाहिने से बाएं घटाते हैं, इसको ध्यान देना है। अब फाइव में से टू गया थ्री, थ्री का थ्री टू, अभी दशमलव दे दिए, थ्री में से थ्री गया जीरो, फाइव में से फाइव गया, इसमें घटाते जाएंगे क्या आते जाएगा, जीरो आते जाएगा। हमें जितना थ्री फाइव लिखेंगे तो नीचे भी तो उतना है, थ्री फाइव लिखेंगे तो जीरो जीरो आते जाएगा, यानी कितना प्राप्त हो गया 233। x बराबर 233 बटे 990, यानी p बटे q के रूप में क्या हो गया आपको बदल गया। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी दशमलव संख्या होगा तो उसको किस में बदल सकते हैं, p बटे q के रूप में बदल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो जिसमें रेकरिंग वाला होगा उसी में, अगर ऐसे सिंपल में अगर ये आ गया 2.35 यानी डैश डैश नहीं रहे तो इसको तो सिंपल दशमलव हटाते हैं, दो अंक के बाद है तो दो को जीरो दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 235 बटे 1000, यह पांच के पारण पांच दुनी 10, अब पांचों का बीस मान सकते हैं 35 यानी 47/20। अगर जो अंक रिपीट नहीं होता है उसके लिए तो साधारण है कि उसके बाद जय गो अंक रहेगा, दशमलव के बाद जय उतना जीरो दे के हम लोग किसमें बदल सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया कि किसी भी दशमलव संख्या को पी बटे क्यू के रूप में कैसे बदल सकते हैं। इसी के साथ इसमें का आपको टॉपिक खत्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। दैट्स ऑल।